चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाले हैं चटपटे चने। भाई ये चने भी ना अफ्तार की जान होती है, जैसे कि अपने फ्रूट्स हो गया, चिकन के चपली कबाब हो गया या फिर मोहब्बत का शरबत हो गया। इसी के साथ साथ जब ये चटपटे चने भी साथ में रहे ना, तो यार अफ्तारी कंप्लीट हो जाती है। समझ रहे हो ना, ये सब रेसिपी हम लोग ने अपलोड कर चुके हैं यार, किसी ने भी नहीं देखा होगा तो देख लेना। काबुली चना बाकी था तो मैंने बोले चलो अपन ये चटपटे स्टाइल में बनाते हैं। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि हम काबुली चने और क्या चटपटे चने कैसे बनेंगे। तो चलो तो सबसे पहले लेंगे हम चने, प्याज, टमाटे, लहसुन, कोतमीर, इमली, खाता सोडा, बेसन, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, हल्दी की बुक्की, जीरा, आमचूर पाउडर, धनिया की बुक्की, कश्मीरी लाल मिर्ची, हींग, हरी मिर्ची और एक आलू। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी इमली भिगा देंगे। अच्छी मस्त लाल लाल इमली है, काली वाली इमली नहीं है, खट्टी खट्टी रहती है ये, ठीक है। अब हमारे चने वने गले तक ये अच्छे से पूरा रस छोड़ देंगे। और यहाँ पे मैंने ले ली हूँ चने, जो मैंने ली थी 150 ग्राम। अब रात भर इसको भिगाने के बाद ये 1.25 किलो से ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको गला लेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें एक चुटकी भर सोडा। अब इसमें डालेंगे हम एक चम्मच नमक, ताकि हमारे चने फीके ना लगे हमको बॉईल करने के बाद, ठीक है। अब हम डालेंगे इसमें पानी, पानी इतना डालेंगे कि चने के थोड़े ऊपर तक आ जाए। बस ध्यान इतना रखना कि हमको सिर्फ 2 से 3 सीटी लेना है ना, पानी अगर ज़्यादा कम हो भी गया तो हम छान लेंगे, है ना। 3 सीटी हम करें तक अभी इसको पका लें। तो चलो देखते हैं, 3 से 4 सीटी हो गई है मेरे चनों की। अब हम इसको खोल लेंगे। तो मैं बता दूं आपको, चने मेरे अच्छे से माशाल्लाह गल गए हैं। हाँ एकदम परफेक्ट गले हैं। हमको इसी तरीके के चाहिए जो हमारे दबाते साथ चने दब जाए, एकदम चिपचिपे चने नहीं गलाना है, ठीक है। हमें इसको सालन नहीं बनाना है, इसको चने दिखना चाहिए। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में, ठीक है। तो देखो चने निकाल ली हूँ मैंने इधर। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे मसाले मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पाउडर मसाले सब तेल में डालेंगे तो जलेंगे, इसलिए। तो मैंने यहाँ पर ली हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, ये आमचूर पाउडर और ये जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे अच्छे से। मैंने मेरे काले चने की भी रेसिपी डाली थी पिछले रमज़ान में, वो भी चने बड़े प्यारे बने थे। जिसने नहीं देखा होगा वो भी देख लेना, बहुत अच्छे बने थे वो भी। ये काबुली चने की रेसिपी डाल रही हूँ, वो काले चने की रेसिपी थी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे हमारा घोल तैयार कर लिया है। अब आते हैं हम कढ़ाई की तरफ। तो अब मैं कढ़ाई रख ली हूँ चने बनाने के लिए। हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा तेल और तेल को थोड़ा होने देंगे गर्म। तो चलो तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच जीरा। यहाँ मैंने 4 से 5 कली लहसुन की कट करके ले ली हूँ, ठीक है। लहसुन को हमको जलाना नहीं है, काला नहीं करना है, बस हल्का सा इसका खुशबू हमारे तेल में आए तक पकाना है। लहसुन को हमको लाल नहीं करना है, ठीक है। अब हम डालेंगे इसमें हमारे हींग। हींग डालना ज़रा ज़रूरी है, ठीक है। अब ये डालें हम। अब डालेंगे हमारा ये 1 चम्मच बेसन। ये बेसन हम
तेल में ही भुनेंगे, इसलिए हमने मसालों में ऐड नहीं किया। ठीक है, अभी इसको एक मिनट तक मैं धीमी आंच पे थोड़ा भून लूंगी बेसन को। तो देखो इसको एक मिनट तक मैंने भून ली हूँ और बेसन हमारा कलर भी चेंज कर लिया है और खुशबू भी अच्छे से आने लग गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे जो मसाले हमने मिला के रखे थे। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे पूरे मसाले, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी के तौर पे ऐड करेंगे हमारे इमली का पानी धीरे धीरे करके, क्योंकि हमको पानी डालना ही है ना, तो हम जो हमारा इमली का पानी निकाल के रखे वो आधा ऐड कर लेंगे। और ये थोड़ा पानी हम लास्ट में डालेंगे। अब ये इमली सबको नहीं मिलती है, तो जिसको इमली नहीं मिलती है वो नींबू निचोड़ सकते हैं, दही डाल सकते हैं, और आमचूर पाउडर तो हमने एक चम्मच ऑलरेडी डाल चुके हैं, है ना। अगर आपको नींबू और ये कुछ नहीं डालना है तो दो चम्मच आमचूर पाउडर डाल दिए, आपके चटपटे और खट्टे मस्त बन जाएंगे चने। मैं यहाँ पे आमचूर पाउडर भी डाल रही हूँ और इमली का पानी भी डाल रही हूँ। अब हमारे मसाले यहाँ पे भून लेंगे हम थोड़ा देर तक। तो देख रहे आप लोग, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका ली हूँ और तेल ऊपर आ गया है, मतलब हमारा मसाले ने तेल छोड़ दिया है, मतलब मसाला भुन गया है अच्छी तरह। ठीक है, अब हम इसमें ये बॉईल करे हुए आलू डालेंगे जो हमने बारीक बारीक काट लिए हैं। ठीक है, हमारे आलू को भी मसाला नमक अच्छे से सब लगना चाहिए ना। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे चने। ये 150 ग्राम चने थे। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। अब ये सूख गया है ना, तो अब हम इसमें थोड़ा सा इमली का पानी जो हमने आधा बचाया है ना ये ऐड करेंगे, ताकि थोड़ा गीला हो जाएगा तो हमारे पूरे मसाले अच्छे से सब जगह लग जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, और नमक थोड़ा सोच समझ कर ही ऐड करेंगे क्योंकि हमने बॉयल में भी नमक डाले थे। ठीक है, बाद में नमक कम ज़्यादा हुआ तो मिला लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को बोल नहीं सकती कि आप चख लो डाल लो, रोज़ों में कौन चखेगा, है ना। लेकिन मैं अंदाजे से बराबर डाल दूँ। अब हमारे चनों को अच्छे से लग गया है मसाला, है क्या नहीं, खट्टे खट्टे तीखे चटपटा। अब क्या करेंगे हम, इसी तरह से इसको ढक के 2 मिनट के लिए गैस बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे। तो चलो गैस बंद करके मुझे 5 मिनट हो गया है, अब देखते हैं, है ना, ठंडा हो गया थोड़ा, मसाला भी सेट हो गया है ना पूरा चने में। अब क्या करेंगे हम, ये धुआं भी निकल ही रहा है, अभी हमारे चने गरम ही है, इसके लिए हम अभी इसको 10 मिनट तक ठंडा होने देते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग, चने पूरे ठंडे हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे, और ये चने ठंडे होने का भी रीज़न बताती हूँ आपको। अगर आप लोग गरम गरम चने में टमाटर कांदा ये सब अभी मिला दोगे तो हमारे चने के अंदर नरम हो जाएंगे, वो क्रंचीपन नहीं रहेगा उसमें। ठीक है, इसके लिए हमको पहले चनों को ठंडा करना पड़ता है। इसमें तो मसाला हमको जितना चाहिए था हम उतना लगा चुके हैं, हमारे आलू में और चने में अच्छे से लग चुका है। अब हम डालेंगे हमारी प्याज, क्योंकि अभी हमारा चना हो गया है बिल्कुल ठंडा, अब ये प्याज नरम नहीं होंगे। ठीक है, प्याज आपको जितना डालना है उतना डालो, ज़रूरी नहीं है ज़्यादा डालो कम डालो, अपने ऊपर है जितना डालना है। ठीक है, अब हम डालेंगे हरी मिर्ची, मैंने इसमें मिर्ची की बुक्की भी पहले ऐड कर चुकी हूँ, इसके लिए मिर्ची मैं थोड़ा ही डालूँगी। मिर्ची डालते वक्त मेरा बेटा मुझे बड़े गौर से देखता है
इसके लिए मेरा हाथ रुक जाता है, मैं इतनी मिर्ची काट के लाती हूँ लेकिन इतनी डालती हूँ क्योंकि वो ऐसा देखता है मिर्ची डालने के टाइम पे, उसकी मिर्ची बहुत बड़ी कमजोरी है, मिर्ची मत डालो। अब डालेंगे हम कोथमीर, ठीक है। अब हम ना इसमें नींबू डालेंगे ना हम इसमें और कुछ खट्टा ऐड करेंगे क्योंकि हमने आमचूर पाउडर भी ऐड कर लिए है, फिर इमली इतनी डाले है ना, तो इसके लिए अभी हम इसमें कोई गुंजाइश नहीं रखेंगे। और अगर हाँ इसमें क्रंचीनेस के लिए अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो आप दुकान से 5 रुपए का 10 रुपए का रेडीमेड चूड़ा लेके आ जाना, पैकेट आता ना चूड़े का सेव। मिक्स चूड़ा, हाँ सेव चूड़ा पूरा मिक्स आता है, वो ला लेना और इस पे डाल लेना तो आपकी चना चाट और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने तो अभी इसमें प्याज हरी मिर्ची कोथमीर सब मिला ली हूँ, ठीक है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा गार्निश के लिए डाल देंगे और आपको जितना लगेगा आप अपने हिसाब से अभी इसमें मिला लेना, ठीक है ना। प्याज जिसको कम ज़्यादा लगती है अपने हिसाब से डालना, मैं तो जितना चाहिए था उतना डाल चुकी। अभी ये हमारी चना चाट रेडी हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों तैयार हो गए अपने चटपटे चने, वो भी काबुली वाले बड़े बड़े हैं, देख रहे ना मैंने क्या लजीज बनाए ले। ये रेसिपी पता है इधर क्यों बनी है स्ट्रीट फूड जायका पे, क्योंकि 2 दिन पहले ही ये रेसिपी नीचे बनी है ना, मैं ये रेसिपी थी ना, हाँ हमने अफ्तार के लिए बनाए थे। और ये मसाले, ये मतलब जो है ना रेसिपी, ये वो पीले वाले चने आए थे ना मी, हाँ लाल सिरप उनने उसके साथ बनाया था। नहीं ये मसाला अलग है, वो मसाला थोड़ा सा अलग है, अच्छा थोड़ा सा डिफरेंट है, हाँ। इस तरीके से उसमें मसाले जल्दी लग जाते, इसमें मसाले जल्दी नहीं लगते इसलिए बेसन यूज करना पड़ता है। मैं भी ये बोलने वाला था यार ये चने पे मसाले जल्दी लगते नहीं लगते, लेकिन हमारे चनों पे एक एक चनों पे मसाले अच्छे से लगे, एक एक चने पे मसाला चढ़ा वैसा। और उसमें हम आलू भी जल्दी डालते नहीं, अम्मी ने इसमें आलू ऐड किए ट्विस्ट के साथ, मजा आता है ना रगड़े के साथ। अभी मैं हमारे घर की बात बता दूं, हमारे घर में हम जब रगड़ा भाई मतलब बाहर से लाता है अफ्तारी करने के टाइम ज्यादातर, तो ना रगड़ा लाता है ना वो, तो साथ में ना वो खट्टे वाले आलू भी लाता है और वो आलू तोड़ के ना रगड़े में डालता है फिर खाता, बोलता ऐसा खाने मजा आती है, तो इसीलिए अम्मी ने ना आलू भी इसमें डाल दिए कि भाई अब खा अब खा। और सही में देखो ना क्या बोलूं, मेरे आलू चने सब मिक्स हो गए, मस्त क्या मस्त लग रहा है सही में। और अभी ना मैंने आमचूर भी डाली और इमली भी डाली, अगर आपको दोनों में से एक नहीं डालना है, ज्यादा खट्टा नहीं खाते हैं तो एक चीज हटा देना, ठीक है। और जो ज्यादा खट्टा खाते हैं उसकी तो मजे है, दोनों भी डाल दी मैंने और तीखा भी भर के है माशाल्लाह। अब जाके अफ्तार कम्प्लीट हुआ क्या, जैसे कि खजूर हो गया, फ्रूट्स हो गया, मोहब्बत का शरबत हो गया, चिकन की चपली कबाब हो गया, उसके बाद आता है रगड़े की बारी, केटलेस भी हो गया, कुरकुरे केटलेस हो गए, समोसे हो गए, पट्टी हो गई, फिर लच्छेदार आलू के पकोड़े हो गए, ये सब डाली हूँ मैंने, आप लोग देख लेना। मैंने ना प्याज और चिकन के पकोड़े भी डाली हूँ, ठीक है। ठीक है, तो रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो में अगर आपको क्या अच्छा लगा हो तो आप वो भी बता सकते हो। तो चलते हैं, हाँ चने बहुत किस्म के बनते हैं, हाँ। एक किस्म के नहीं बनते, बहुत सारे किस्म के बनते हैं, जैसा जी में आए वैसा इसको मोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बन गए तो इसी किस्म के बनते हैं, चने बहुत सारे किस्म के बनते हैं, ठीक है। अब मेरे किस्म से आप बनाकर खाना और कमेंट्स करके जरूर बताना, हाँ। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो, जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और हाँ सबसे बड़ी बात, थैंक यू सो मच यार, 3 लाख की फैमिली हो चुकी है अपनी यूट्यूब की, है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह 3 लाख हो गए आप लोगों के साथ के वजह से और अल्लाह के वजह से, ठीक है। और मैं चाहती हूँ ये साथ इसी तरह बनाए, यार ये प्यार और ये मोहब्बत इसी तरह हमें देते रहिए और इसी तरीके से 3 से 4, 4 से फिर 5 लाख जल्द से जल्द करवाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग को भी पार्टी करना है ना, तो और वो पार्टी 5 लाख पे ही होगी इंशाल्लाह। तो अभी चलिए चलते हैं, फिर वापस एक बार बोलूंगा भाई, वीडियो को लाइक कर दो, जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो भाई ईद में सब्सक्राइब करेगी क्या, सब्सक्राइब करो। और ये रगड़े को, रगड़ा बोरा अपना चने चटपटे को, चने चटपटे को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ईद के लिए आप लोगों को और स्पेशल कौन सी डिश चाहिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में, हाँ चाहिए। पूरे रमजान हम लोग आपको रेसिपी दे रहे, ईद में मैं आऊंगा ईदी लेने, याद रखना भाई ईदी लेने आऊंगा।
मुझे आप बताना आप लोगों को ईद के लिए स्पेशल क्या चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो अब चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के अल्लाह हाफिज, बाय बाय। दुआओं में याद रखना।